जय माँ काली, जय माँ कामाख्या। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नीलाचल पर्वत के एक ऐसे सीढ़ियों के दर्शन कराने वाला हूँ जो सीढ़ियाँ स्वयं माँ कामाख्या के दर तक जाती है और स्वयं सतयुग में नरकासुर द्वारा बनाई गई थी। जी हाँ, इन सीढ़ियों को कहते हैं मेखला उजवा पथ और ये आज भी हमें नीलाचल पर्वत पर देखने को मिलती है। इनमें कोई भी छेड़छाड़ या बदलाव नहीं हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि ये सीढ़ियाँ स्वयं नरकासुर ने बनाई थी। तो चलिए करते हैं माँ कामाख्या के दर्शन इन मेखला उजवा पथ यानी सतयुग की सीढ़ियों से। ये जो रोड देख रहे हो आप लोग, ये है असम ट्रंक रोड, गुवाहाटी को जाता है सीधा आगे, और यहीं पे आगे जाके 2 किलोमीटर पे है माँ कामाख्या का जो मेन रास्ता है उसका गेट। ये असम ट्रंक रोड, इस साइड है कामाख्या स्टेशन, जस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पे, 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पे। और यहाँ से ये सीधा है असम ट्रंक रोड, यहाँ से ये रास्ता कटता है अंदर की तरफ, इसका नाम है पांडू पोर्ट रोड और हमें जाना है यहीं पे। पांडू रोड पे आगे देखो बोर्ड भी लगा हुआ है, कामाख्या टेम्पल 4 किलोमीटर। पांडू रोड पे करीबन 500 मीटर आने पे सामने है मेखला उजवा पथ, इसकी हिस्ट्री भी लिखी हुई यहाँ पे, वो मैं आगे बताऊँगा क्या है। और यहाँ से स्टार्ट हो जाता हूँ मेखला उजवा पथ। अब इसी रास्ते से हम जाएंगे माँ कामाख्या के दर्शन को। देखो यहाँ तक टोटो बीटो लेके आ सकते हैं मेखला उजवा पथ, और यहाँ से चढ़ाई चालू होती है, लेकिन ये वो पथ नहीं है, आगे चल के पथ बताऊंगा। तंत्र के झूले में भाई थोड़ी सी ये नीचे से वहाँ से सीढ़ियाँ चालू हो जाएगी, चढ़ाई है बट बड़ी कठिन चढ़ाई है, थोड़ी सी ये 100-150 मीटर की वहाँ से। और यहाँ से सीढ़ियाँ चालू। जय माँ कामाख्या। और ये चालू हो गया मेखला उजवा पथ, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, तो इसे ASI द्वारा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित किया गया है। यहाँ पे बहुत सारे आपको यहाँ पे देखो कार्विंग मिलेगी। अरे तू लोग तो सांस लग लिया था, तू इतना रुक जा। पत्थर पे पूरी की पूरी कार्विंग है भाई, इसकी अपनी अलग ही खूबसूरती। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे ना, ऐसे पत्थर पे आपको सब कार्विंग मिलने वाली है, पहाड़ पे ही मंदिर बना हुआ है। ये सब जो तोड़ दिया गया उसके पार्ट्स रखे हुए। देखो ये जब अगर बना होगा तब कितना खूबसूरत होगा, ये तो सब टूट फूट गया है, तो उसके पार्ट ASI द्वारा ऐसे संरक्षित करके रख दिए जाते हैं। पर ये पूरा ऊपर वो पत्थरों पे सीढ़ियाँ गई है कार्विंग करके। यहाँ पे है मंदिर, चलते हैं ऊपर। यहाँ पे सबसे पुराना पुराना गेट भी मिलेगा, स्टोन गेटवे एंड गणेशा कामाख्या, तो ये गणपति बप्पा का मंदिर है। ये पड़ा है पहला गेट, पूरा का पूरा पत्थर से बना हुआ है भाई। चढ़ाई देखो, क्या
यह स्मारक प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल प्रोटेक्टेड है। कार्विंग गणपति बप्पा की। नीलाचल पर्वत पे 3 से 4 जगहों से ये सीढ़ियाँ आज भी देखने को मिलती है, और जहाँ से मैं आप लोगों को आज दिखा रहा हूँ, मेन रास्ता इन सीढ़ियों से ही होकर जाता है मेखला उजवा पथ, और बीच बीच में जो नए रास्ते बनाए गए हैं वो इस पथ से कटते हुए चलते हैं। तो जिस दिन मैं गया था उस दिन आधी सीढ़ियों तक ही मैं गया, वहाँ से रास्ते को डाइवर्ट कर दिया गया था मेले की वजह से। तो इसीलिए जितना हो सका उतना ही वीडियो शूट करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। विटनेस द मिरेकल, अलौकिकता के साक्षी बने, और इस रास्ते से आकर आप भी बन सकते हो मिरेकल के साक्षी। यहाँ जो स्मशान काली मंदिर, यहाँ पे आ गया एक रोड, वो आगे से कंटिन्यू है मेखला उजवा पथ। दोस्तों ये जो आप लोग रास्ता देख रहे हो ये स्वयं नरकासुर के द्वारा सतयुग में बनाई हुई सीढ़ियाँ है जो माँ कामाख्या के धाम तक जाती है। और ये जो नीलाचल पर्वत है ये सीढ़ियाँ इसके चारों तरफ से बनाई गई है, इसमें से ये एक महत्वपूर्ण सीढ़ी है जो आज भी हमें कलयुग में देखने को मिलती है। ये सतयुग की सीढ़ियाँ है जो नरकासुर द्वारा बनाई गई है। दोस्तों जो नरकासुर था वो स्वयं भगवान वराह का पुत्र था। आज प्रेजेंट में जिसे हम नीलाचल, कामाख्या, असम या फिर गुवाहाटी कहते हैं, उसका नाम ज्योतिष प्रज्ञ था, और नरकासुर यहाँ का राजा था। नरकासुर माँ कामाख्या का बहुत ही बड़ा भक्त था, लेकिन असुर होने के कारण उसकी कुदृष्टि स्वयं के ही माँ पर यानी माँ कामाख्या के ऊपर पड़ गई, और उसने माँ कामाख्या से शादी करने की इच्छा जताई। माँ कामाख्या ने उसकी इस इच्छा को सुनकर उसके सामने एक शर्त रखी कि अगर वह एक रात में इस नीलाचल पर्वत पे चारों तरफ से सीढ़ियाँ बनाकर भवन तक का रास्ता बना देता है तो माँ कामाख्या उसकी इस शर्त को मान लेगी। और ऐसा ही होने वाला था। नरकासुर ने एक ही रात में सीढ़ियों का काम चालू कर दिया और वह पूरा भी करने वाला था, लेकिन माँ कामाख्या ने भी यहाँ पर अपनी लीला दिखाई, और एक माँ कामाख्या ने जादुई मुर्गा बनाया। उस जादुई मुर्गे को माँ कामाख्या ने भेज दिया नरकासुर के पास, और उस मुर्गे ने बाग दे दी। उसके बाद नरकासुर को लगा कि सुबह हो गई और वह शर्त हार गया है, जिस वजह से वह उस मुर्गे को मारने के लिए दौड़ा, और जहाँ पे उसने उस मुर्गे के टुकड़े किए थे मारकर, वह जगह आज भी है जिसे कुकुरकटा के नाम से जाना जाता है। और ये सीढ़ियाँ उस टाइम से ही फिर अधूरी रह गई, और नरकासुर का बाद में माँ कामाख्या, उसके बाद स्टोरी जाती है कृष्ण भगवान तक, जो कि स्वयं नरकासुर के पिता स्वरूप ही थे, तो उन्होंने उसका वध किया। तो इस प्रकार से ये सीढ़ियों का महत्व है जिसे आज भी हम लोग नीलाचल पर्वत पे देख सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा प्राचीन सीढ़ियाँ है। तो अगर आप लोग नीलाचल पर्वत पे आते हो माँ कामाख्या के दर्शन के लिए आते हो तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर इन सीढ़ियों को भी एक्सप्लोर ज़रूर कीजिएगा।